लंदन के नेशनल पोर्ट्रेट गैलरी में एक तस्वीर रखी हुई है जो आप देख रहे हैं। काले वस्त्र पहने यह व्यक्ति एक अंधेरे कमरे में बैठा है। उसके चेहरे पर मोमबत्ती की रोशनी आ रही है। अपने बाएं हाथ से वह एक किताब को संभाल रहा है और अपने सीधे हाथ की उंगली से वह उस किताब की ओर इशारा कर रहा है, मानो वह कह रहा हो कि मेरी ओर मत देखो पर इस किताब की ओर देखो, मेरी ओर मत आओ इस किताब की ओर जाओ। उसके हाथ में यह जो किताब है वह कोई और नहीं पर बाइबल है। और यह व्यक्ति जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, इसे जला दिया गया प्रभु यीशु मसीह के वचन के लिए। क्या है पूरी गवाही, जानने के लिए अंत तक देखते रहिए, क्योंकि जब आप इस गवाही को देखते रहेंगे आपके साथ परमेश्वर के वचन में जैसे लिखा हुआ है वैसा ही होगा। पर जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा देता है दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़े। गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, यानी ये जो गवाहियां हैं ये हमें शक्ति देती हैं उलझाने वाले पापों को दूर करने के लिए। पाप हमेशा उलझाने वाले हैं, आपको उलझा कर रखे रहेंगे, जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देंगे, खुदावन में आगे नहीं बढ़ने देंगे। इसलिए गवाही पूरा सुनना जरूरी है। शैतान आपसे कहेगा आधे में छोड़कर चले जाओ, स्किप कर लो, जल्दी जल्दी देख लो क्या है। लेकिन जब आप पूरी वीडियो को देखेंगे, पवित्र आत्मा उस समय आपके हृदय में कार्य कर रहे हैं, क्योंकि यह चैनल मैंने अपनी मर्जी से नहीं बनाया है परंतु प्रभु की अगुवाई में बनाया है। इसलिए मैं जानता हूं कि जो जो इन गवाहियों को देख रहा है वो निश्चित तौर पे विश्वास में तो बढ़ेंगे ही, और मेरा उद्देश्य यही है इस चैनल के द्वारा कि आपका विश्वास बढ़े। इसलिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि किसी भी प्रकार की शक्तिशाली गवाही जो आपके विश्वास को बढ़ा सकती है, आपके जीवन में आश्चर्य कर्म कर सकती है, मिस ना हो जाए, इसलिए सब्सक्राइब कीजिए। आज से 500 साल पहले आपको ले जा रहा हूँ यूरोप के इंग्लैंड देश में, वह देश जो हमारे देश पर कभी शासन करता था। उस देश में 500 साल पहले लगभग सन 1494 में, और उस समय इंग्लैंड का हाल ऐसा था कि लोगों के पास बाइबल नहीं हुआ करती थी, क्योंकि चर्च के पादरी और पुरोहित और उच्च वर्ग के राजा और व्यक्ति नहीं चाहते थे कि आम लोगों के पास बाइबल हो, क्योंकि बाइबल सिर्फ लतीनी भाषा में ही उपलब्ध थी और लतीनी भाषा कोई भी आम नागरिक नहीं पढ़ सकता था। जब आम नागरिक लतीनी भाषा नहीं पढ़ सकता था तो वो बाइबल की बातों को सुनने के लिए, प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुनने के लिए किस पर निर्भर होगा? यकीनन जो पुरोहित, पास्टर, पादरी, उन्हीं लोगों पर वो लोग निर्भर थे। और इसी बात का फायदा उठाकर चर्च में भ्रष्टाचार बढ़ गया था। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम विलुप्त हो गया था, उसका वचन लगभग विलुप्त था। चर्च में जितने प्रचारक थे वो सब अपना बिजनेस चला रहे थे। बपतिस्मे से लेकर दफनाने के संस्कार तक में लूट मची हुई थी। लोग प्रार्थना करवाने के लिए पैसा दे रहे थे, अभिषेक लेने के लिए पैसा ले रहे थे, क्योंकि उन लोगों से यह कहा जा रहा था कि बाइबल में ये बातें लिखी हुई है, क्योंकि बाइबल तो लोगों को पता नहीं थी। इंग्लैंड में जो भाषा बोली जाती थी, जैसे हम लोग आज हिंदी बोल रहे हैं, वैसे ही उस समय जैसे आज इंग्लैंड में अंग्रेजी भाषा बोलते हैं, उस समय भी बोलचाल की भाषा अंग्रेजी थी। लेकिन अंग्रेजी भाषा जो लोगों को समझ आती थी, जो लोग पढ़ सकते थे, लिख सकते थे, उस भाषा में बाइबल अवेलेबल नहीं थी। पर इसी कारण भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा था। मैं आपको बता दूं, आप में से बहुतों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है, बाइबल जब लिखी गई तो इब्रानी भाषा में लिखी गई, ग्रीक भाषा में लिखी गई, और उसके बाद रोम के शासन तले लतीनी भाषा में भी थी। और लतीनी भाषा रोम की राजकीय भाषा थी। जैसे आज हमारे देश की राजकीय भाषा क्या है, हमारे देश की राजकीय भाषा हिंदी मानी जाती है, तो हिंदी में जैसे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, रोम में भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स लतीनी भाषा में हुए करते थे, लैटिन लैंग्वेज में हुआ करती थी। तो लतीनी भाषा में ही बाइबल होनी चाहिए, इस प्रकार का झूठ शैतान ने पुरोहितों के अंदर, राजाओं के अंदर डाल दिया था, ताकि आम लोगों तक परमेश्वर का वचन ना पहुंच सके। शैतान ने बहुत कोशिश की है कि यह बाइबल हम तक ना पहुंच सके। और इसलिए अगर आज आप बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं तो आप समझ जाइए कि इसके पीछे कौन है। लोग जब चर्च आते थे तो उन्हें लतीनी भाषा में ही बाइबल पढ़कर सुना दी जाती थी और बोलते थे कि हो गया, तुमने पवित्र शब्दों को सुन लिया, इसे जानने समझने की क्या जरूरत है। इस प्रकार के भ्रष्टाचार के समय में परमेश्वर का हृदय दुखी था और प्रभु यीशु मसीह चाहते थे कि वे अपने लोगों से सीधे बात करें। प्रभु यीशु मसीह जो कि राजाओं का राजा है, उसकी बात उसकी प्रजा तक पहुंचने से रोकने के लिए राजा ने, इंग्लैंड के राजा ने बहुत कोशिश की, इंग्लैंड के पुरोहितों ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन
प्रभु यीशु मसीह का काम कभी नहीं रुक सकता। चाहे उसके विरोध में कितना भी बड़ा सम्राट खड़ा हो जाए, कितना भी बड़ा प्रधानमंत्री खड़ा हो जाए, कितना भी बड़ा मुख्यमंत्री खड़ा हो जाए, प्रभु यीशु मसीह का काम नहीं रुकेगा। ये पवित्र आत्मा का कार्य है, ये लगातार होता ही जाएगा। और उस समय भी प्रभु यीशु मसीह ने एक व्यक्ति को चुना और उस व्यक्ति का नाम था विलियम टिंडल। विलियम टिंडल का जन्म सन 1494 में इंग्लैंड के ग्लॉस्टरशायर नामक स्थान में हुआ। 12 वर्ष की उम्र में ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पहुंचे और परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर ऐसा हुआ कि 10 साल उन्होंने वहां पर पढ़ाई की और उस पढ़ाई के दौरान उन्होंने 8 से ज्यादा भाषाओं पर महारत हासिल कर ली और उस भाषा में ग्रीक भाषा भी शामिल थी। और मैं आपको बताते चलूं कि ग्रीक वह भाषा है जिसमें नया नियम ओरिजिनली लिखी गई थी, यानी जब नया नियम लिखा जा रहा था तो वह ग्रीक भाषा में लिखा गया था। और उसी ग्रीक भाषा में प्रभु के दास, प्रभु के द्वारा चुने हुए, प्रभु की बुलाहट प्राप्त किए हुए विलियम टिंडल को प्रभु ने महारत दिलाई। और जब विलियम टिंडल ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई कर रहे थे, उसी दौरान यूरोप का एक बड़ा विद्वान जिसका नाम एरोस्मस था, उसने ग्रीक भाषा में नए नियम की छपाई की, यानी कि एक छपी हुई बाइबल नया नियम पढ़ने का अवसर विलियम को मिला। चूंकि वह नया नियम ग्रीक में था और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे बड़े संस्थान में पढ़ने के कारण ग्रीक भाषा की, जो कि आम बोलचाल की भाषा नहीं थी, अच्छा ज्ञान विलियम को हो गया था। और जब विलियम ने ग्रीक भाषा में बाइबल पढ़ी, उसे समझ आ गया कि परमेश्वर वास्तव में कौन है और प्रभु वास्तव में क्या चाहता है। बाइबल ने उसकी आंखें खोल दी, उसका हृदय आनंद से उमड़ पड़ा और उसके मन में प्रभु ने एक डिजायर डाल दी, एक बर्निंग डिजायर डाल दी कि यह जो बाइबल है इसे मैं आम लोगों तक पहुंचाऊंगा, यीशु मसीह की बातें, यीशु मसीह की शिक्षा मैं आम लोगों तक पहुंचाऊंगा। वह गरीब बढ़ई, वह गरीब लोहार, वह गरीब स्त्री जो किसी घर के किसी कोने में आज काम कर रही है, प्रभु यीशु मसीह इस बाइबल के द्वारा उससे भी बात करना चाहते हैं। इसलिए उस विलियम टिंडल के हृदय में पवित्र आत्मा ने एक बात डाल दी कि मेरे बेटे तुझे बाइबल का अनुवाद करना है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि जिस समय की मैं आपसे बात कर रहा हूं, उस समय लतीनी भाषा के अलावा, लैटिन लैंग्वेज के अलावा, अंग्रेजी भाषा में परमेश्वर के वचनों को बोलना या लोगों को सिखाना दंडनीय अपराध था। तो आप अनुवाद की बात तो छोड़ ही दीजिए, यह निश्चित था कि अगर कोई व्यक्ति लैटिन लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करेगा, अनुवाद करेगा, तो वह अपने लिए सजाए मौत मुकर्रर कर रहा है। लेकिन प्रभु के लोग अंधकार में थे, वचन की रोशनी के बिना इंग्लैंड के लोग अंधेरे में तड़प रहे थे, राजा से त्रस्त थे, पुरोहितों से त्रस्त थे, उन्हें लूटा जा रहा था। क्यों? क्योंकि वचन का ज्ञान नहीं था, इसलिए परमेश्वर की प्रजा नष्ट हो रही थी। इंग्लैंड के राजा हेनरी और कार्डिनल थॉमस वॉल्सले और उच्च वर्ग के लोगों ने इंग्लैंड की प्रजा को, इंग्लैंड की आम जनता को राजाओं के राजा से दूर रखा था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के बाद विलियम जब बाहर आए तो उन्हें पता चला कि कोई भी व्यक्ति जो अंग्रेजी में बाइबल पढ़ने की कोशिश करता है उसे जला दिया जाता है। विलियम को पता चला कि एक बच्चे से एक पुरोहित ने यह पूछा कि बेटे क्या तुम हे हमारे पिता वाली प्रार्थना सुना सकते हो, वो भी इंग्लिश में। दरअसल वो पुरोहित जानना चाहता था कि क्या इस बच्चे ने गैर कानूनी तरीके से अंग्रेजी में बाइबल सीखी है या बाइबल का कोई पद याद किया है, क्योंकि यह गैर कानूनी है, आप अंग्रेजी में बाइबल नहीं पढ़ सकते थे। उस बच्चे ने अपनी मासूमियत में आकर हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए यह प्रार्थना उस पुरोहित को सुना दी। लेकिन वह पुरोहित क्रोध से भर गया और उसने आदेश दिया इस बच्चे को और उसके पूरे परिवार को जलाकर राख कर दिया जाए, क्योंकि इसने बहुत बड़ा पाप किया है, इसने बाइबल अंग्रेजी में बोल दी है, बोलचाल की भाषा में अंग्रेजी में यह बाइबल बोल रहा है, इसकी इतनी हिम्मत,
इस तरह की खबर सुनने के बाद विलियम टिंडल जब अपने दोस्त के साथ सड़क पर चल रहे थे, तब उनके दोस्त ने कहा कि विलियम, मुझे लगता है कि तुम यह बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हो, तुम्हें क्या जरूरत है इस तरह बाइबिल के अनुवाद करने की इच्छा रखने की? देखा नहीं तुमने उस बच्चे और उसके परिवार के साथ क्या हुआ? ऐसे बहुत लोगों को मार दिया गया है विलियम। पर विलियम ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे अंदर एक स्वप्न डाल दिया है, मेरे जीवन की बुलाहट यही है, मेरे लिए जीना मसीह है और मर जाना लाभ है, लेकिन मैं प्रभु का काम करूंगा, मैं मसीह का काम करूंगा। मेरे प्रियो, विलियम टिंडल का वह दोस्त कहता है उससे कि तुम्हारे पास इतना ज्ञान है, इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, तुम चाहो तो आलीशान जिंदगी जी सकते हो, तुम चाहो तो सरकारी नौकरी करके आराम से खा सकते हो, क्योंकि पूरी दुनिया इसी की खोज में है। पूरी दुनिया चाहती है कि उन्हें वीजा मिल जाए, उन्हें सरकारी नौकरी मिल जाए, उन्हें आलीशान घर मिल जाए, उन्हें जिंदगी के आराम मिल जाए। तुम जिंदगी के इस आराम को छोड़कर क्यों मृत्यु को अपने गले लगाना चाहते हो, वो भी प्रभु यीशु मसीह के लिए? विलियम ने कहा, एक सच्चा मसीह वही होता है जो अपने प्राणों से ज्यादा यीशु से प्रेम करने लगे, क्योंकि प्रभु ने कहा था, जो अपने आप को इनकार न करे वो मेरे पीछे चलने के योग्य नहीं। क्रूस उठाकर अपने आप को इनकार करके यीशु के पीछे चलना होगा। मैं मर गया हूं, अब मसीह मुझ में जीवित है। उसी दौरान एक घटना होती है। विलियम टिंडल चौक में खड़ा होकर परमेश्वर के वचनों को अंग्रेजी भाषा में लोगों को बताने लगता है बिना डरे, और लोगों को बताता है कि तुम्हारे पादरी, तुम्हारे पास्टर, तुम्हारे ऊंचे ऊंचे पुरोहित तुमको लूट रहे हैं। बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि प्रार्थना करने के बदले पैसा देना पड़ेगा। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, अपने आप को दे दिया तुम्हारे लिए। तो जब उसने अपने प्रेम में वशीभूत होकर अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम कुछ चंद पैसे देकर इसी पृथ्वी के उस स्वामी, इस पृथ्वी और आकाश के स्वामी को इसी पृथ्वी से निकालकर कुछ देकर प्रसन्न कर सकते हो? ये पुरोहित, ये पास्टर, ये पादरी तुमसे झूठ बोल रहे हैं। परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है, उसकी आशीषों को पैसे में मत आंको। सबसे बड़ी आशीष तो स्वयं परमेश्वर है, अनंत जीवन है। जब ये बातें विलियम वहां पर खड़े होकर कहने लगा, अचानक से पुरोहितों ने उसे देख लिया और पुरोहित बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने यह खबर बड़े पुरोहित तक पहुंचाई, यानी कि बिशप तक पहुंचाई, और फिर आर्च डीकन व अन्य उच्च स्तर के बिशपों ने विलियम टिंडल के खिलाफ एक नोटिस निकाला और उसे बुलाया गया, यह आरोप लगाकर कि तुम लोगों के बीच में गलत शिक्षा फैला रहे हो। विलियम टिंडल को जब सभा में बुलाया गया, आर्च डीकन और बड़े बड़े पुरोहितों के द्वारा उसे धमकी दी गई। धमकी यह दी गई कि तुम विलियम टिंडल, सुनो ध्यान से, अगली बार किसी को भी इंग्लिश में उनकी बोलचाल की भाषा में बाइबल समझाने मत जाना। विलियम टिंडल ने कहा कि अगर मुझे अवसर दिया जाए तो मैं किसान के एक बेटे को भी एक पुरोहित से ज्यादा बाइबल सिखा सकता हूँ, किसान के एक बेटे को भी ऐसा बना सकता हूँ कि वह एक पुरोहित से ज्यादा बाइबल का ज्ञान रख सकता है। इस बात को सुनकर सारे पुरोहित क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा, क्या तुमको लगता है कि ग्रीक, लैटिन और हिब्रू जैसी कठिन भाषाओं में लिखी हुई किताब इतनी आसान है? क्या तुम्हें लगता है कि ये लोग जो नासमझ हैं, ये बाइबल की कठिन बातों को समझ पाएंगे? जो बच्चे दूध तक नहीं पी सकते, तुम उन्हें मांस खिलाना चाहते हो? विलियम, विलियम ने कहा कि एक बच्चे को यह जानकर कि वो मांस नहीं खा सकता, आप दूध भी नहीं पीने दे रहे हैं, इससे बड़ा अत्याचार उस बच्चे के लिए कुछ नहीं है। आप लोगों के अनंत जीवन के साथ खेल रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि प्रभु यीशु मसीह ने जो कहानियां सुनाई, जो दृष्टांत सुनाए, वो इतने कठिन है कि आम लोगों को समझना आए। लेकिन पुरोहित वर्ग बहुत क्रोधित हो जाता है और उसे धमकी देकर छोड़ देता है कि दोबारा किसी को इंग्लिश में बाइबल बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन विलियम को यह दर्शन, यह बात कि उसे आम लोगों तक बाइबल पहुंचानी है, अंग्रेजी भाषा में बाइबल पहुंचानी है, लोगों के पास उनके बोलचाल की भाषा में, आम भाषा में, उनकी अंग्रेजी भाषा में बाइबल उपलब्ध नहीं है, मुझे यह बाइबल उन तक पहुंचानी है, यह दर्शन उसे सोने नहीं दे रहा था। रात्रि में उसे चैन से नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि लगातार ये उसे जगाए रख रहा था कि हे प्रभु, मुझे तेरे लिए काम करना है, हे परमेश्वर, मुझे अनुवाद करना है, बाइबल को आम लोगों तक पहुंचाना है। और उसी वक्त उसे मौका मिलता है लंदन के बिशप टनस्टेल से मिलने का, जहां पर वह अनुरोध करता है
बिशप से कि बिशप अनुमति दें ताकि बाइबल का वह ग्रीक भाषा से नए नियम का जो अनुवाद है वो ग्रीक भाषा से अंग्रेजी भाषा में कर सके। लेकिन बिशप कहते हैं तुम्हारी सोच अच्छी है, लेकिन बड़े बड़े राजा और बड़े बड़े पुरोहित तुम्हारे विरोध में खड़े हैं विलियम। मैं तुम्हारा साथ देकर मृत्यु को आमंत्रित नहीं कर सकता। विलियम टिंडल अब तक समझ जाता है कि इंग्लैंड देश में रहते हुए, लंदन में रहते हुए यह काम बहुत कठिन है, क्योंकि ना तो कोई प्रिंटिंग प्रेस वाला ग्रीक भाषा से अंग्रेजी भाषा में किए गए उनके अनुवादों को छापने को तैयार होगा, ना ही कोई पादरी उनके सपोर्ट में खड़ा होगा। इसलिए वो एक ऐसे देश में जाने की योजना बनाते हैं जो यूरोप में ही स्थित था, जो यूरोप में था और वहां पर लोग जाग रहे थे, क्योंकि वहां पे मार्टिन लूथर के प्रभाव के कारण लोगों में जागरूकता आ रही थी। इसलिए वो जर्मनी जाने का फैसला करते हैं और जर्मनी में सन 1525 में कोलोन नामक जगह पर वह पहुंच जाते हैं। जर्मनी आते वक्त उन्हें पता चलता है कि एक और व्यक्ति को सिर्फ इसलिए जिंदा जला दिया गया क्योंकि उसने हे हमारे पिता वाली प्रार्थना इंग्लिश में की थी, अपनी भाषा में, अपनी बोलचाल की भाषा में। उसने हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए वाली जो प्रार्थना है उसे दोहराया था। विलियम टिंडल अच्छे से जानता था कि भले ही वह अपने देश इंग्लैंड से बाहर जा रहा है, लेकिन इंग्लैंड के राजा और उन ऊंचे पुरोहितों के पहुंच से दूर नहीं है, वो कभी भी उसे मरवा सकते हैं। लेकिन फिर भी वो प्रभु के काम करने के लिए प्रतिबद्ध था। विलियम टिंडल को पता था कि दोबारा अगर वो इंग्लैंड आएगा तो मृत्यु दंड के अलावा और कुछ भी नहीं है जो उसका इंतजार कर रहा हो। जर्मनी में वह एक ऐसे व्यक्ति की तलाश करने लगता है जो बाइबल के उन अनुवादों को प्रिंट कर सके जो विलियम टिंडल ने ग्रीक भाषा से अंग्रेजी भाषा में इसलिए किए थे ताकि आम लोगों तक बाइबल पहुंच सके, उन्हें समझ आए कि बाइबल में क्या लिखा हुआ है, वे सत्य को जाने और सत्य उन्हें स्वतंत्र कर दे। और उस समय आज से लगभग 500 साल पहले प्रिंटिंग कोई आसान काम नहीं हुआ करती थी, वह बहुत थका देने वाली प्रक्रिया थी। हर अक्षरों के लिए मेटल और लकड़ी के ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया जाता था जिसे स्याही से छापा जाता था। विलियम टिंडल को एक व्यक्ति मिला जिसका नाम था पीटर क्विंटल। पीटर क्विंटल को जब यह बात पता चली उसे यह फायदे का सौदा लगा क्योंकि उसे पता था कि इंग्लैंड में आज तक अंग्रेजी में एक भी बाइबल नहीं है और अगर उसने यह बाइबल छापी तो उसे बहुत ज्यादा फायदा होगा। इस कारण पीटर क्विंटल विलियम टिंडल के साथ हाथ मिला लेता है और मत्ती रचित सुसमाचार टेस्टिंग के पर्पस से वह छापकर अंग्रेजी भाषा में छापकर विलियम के पास भेजता है। विलियम नया नियम के उस प्रति को देखकर बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है। विलियम टिंडल के द्वारा ग्रीक भाषा से अंग्रेजी में अनुवादित बाइबल का प्रिंटिंग, बाइबल की छपाई हो ही रही थी कि शैतान ने रुकावटें डालना शुरू कर दिया। कॉकलिकस नामक एक दुष्ट आकर उस छपाई को रोक देता है। कॉकलिकस मार्टिन लूथर का भी बड़ा विरोधी था। गुप्तचरों के माध्यम से कॉकलिकस को पता चलता है कि विलियम टिंडल और पीटर क्विंटल मिलकर बाइबल को अंग्रेजी भाषा में छाप रहे हैं। पीटर क्विंटल के प्रिंटिंग प्रेस में सिपाहियों के साथ वह धावा बोल देता है, लेकिन प्रभु की ऐसी दया होती है कि विलियम टिंडल का एक मित्र दौड़कर जाता है और विलियम टिंडल को बताता है, विलियम जल्दी करो यहां से निकलो क्योंकि सैनिक आ रहे हैं, वे हमारे सारे मेहनत को खत्म कर देना चाहते हैं, सारे अनुवादों को जला देना चाहते हैं, विलियम जल्दी यहां से निकलो। इसलिए विलियम टिंडल अपने सारे मेहनत से किए गए अनुवादों की प्रतियों को बहुत संभाल कर जल्दी से उस स्थान से निकल जाता है और वर्म्स नामक एक दूसरे शहर को भाग जाता है। विलियम टिंडल जो इतना पढ़ा लिखा, इतना विद्वान व्यक्ति था, कई भाषाओं पर उसकी महारत थी, वह चाहता तो एक आलीशान जिंदगी जी सकता था, लेकिन सुसमाचार के कारण बाइबल आम लोगों तक पहुंचानी है, यह बात जो प्रभु ने उसके मन में डाल दी थी, प्रभु का काम करने के कारण उसे एक भगोड़े के समान जीवन बिताना पड़ रहा था। वह छिप छिप कर फिर रहा था, लेकिन वह अपने काम को जारी रखता है। उसके अंदर एक ही स्वप्न था कि लोग बाइबल पढ़ रहे हैं, आम जनता बाइबल पढ़ रही है, कोई एक दुखी और परेशान व्यक्ति, एक बेटी प्रभु की जो परेशान है, प्रभु से सीधा बात करना चाहता है इस बाइबल के द्वारा। मैं यह बाइबल उस एक गरीब लड़की तक, उस एक गरीब आदमी तक पहुंचाना चाहता हूं जिसके पास आज अंग्रेजी में बाइबल उपलब्ध नहीं है। 6000 से ज्यादा प्रतियां यूरोप के इंग्लैंड में पहुंच चुकी थी और नए नियम की यह जो प्रतियां अंग्रेजी भाषा में छप रही थी, ये कैसे इंग्लैंड देश में पहुंच रही थी? जर्मनी से इंग्लैंड में भेजी जा रही थी तस्करी के रूप में, स्मगल की जा रही थी, यानी कि फलों और अनाजों की बोरियों में छिपा छिपा कर यह बाइबल इंग्लैंड देश में भेजी जा रही थी। सोचिए
बाइबल पढ़ना और बाइबल को अंग्रेजी बाइबल को पढ़ना, अपनी भाषा में बाइबल को पढ़ना, यानी कि जिंदा जला देने की सजा को अपने ऊपर लाना। लेकिन लोग फिर भी रिस्क ले रहे थे, क्यों? क्योंकि वो वचन के भूखे और प्यासे थे। वो वचन के भूखे और प्यासे थे। क्या वो भूख और प्यास हमारे अंदर है? क्या वो भूख हमारे अंदर है जो इंग्लैंड के लोगों में उस समय थी? लोग अपनी जान को जोखिम में लेकर बाइबल को खरीद रहे थे। लेकिन जब ऊंचे और बड़े पादरियों को पता चला, पुरोहितों को पता चला कि अंग्रेजी भाषा में बाइबल विलियम टिंडल जर्मनी से छपवा कर भेज रहा है, तस्करी हो रही है, तो उन्होंने फैसला किया कि हर एक मसीही विश्वासी के घर में रेड डाली जाएगी। चर्च ने हर एक मसीही विश्वासी के घर में रेड डाली और जिस घर से अंग्रेजी बाइबल की प्रतियां मिली, उस घर के व्यक्ति को दंडित किया गया, जला दिया गया, मार दिया गया, सिर्फ इसलिए कि बाइबल उनकी भाषा में थी। शैतान इतना क्यों डरता है आपकी खुद की भाषा में बाइबल होने से? शैतान इतना क्यों डरता है? अब आप सोच लो कि आपको आज से बाइबल पढ़ना है कि नहीं। इंग्लैंड के पुरोहितों ने सारी बाइबल्स को इकट्ठा किया जो उनको रेड के दौरान मिली थी और सबको एक साथ जला दिया। लेकिन विलियम टिंडल अपने काम को लगातार जारी रखते रहा। लोगों ने भी उसका भरपूर साथ दिया क्योंकि यह प्रभु का काम था, यह रुक नहीं सकता था। कोई पुरोहित, कोई सम्राट प्रभु यीशु मसीह के काम को रोक नहीं सकता। 20,000 से ज्यादा प्रतियां अनाजों और फलों की बोरियों में गुप्त रूप से इंग्लैंड भेजी जा रही थी और इंग्लैंड के बिशप ने बहुत कोशिश की, वहां के उच्च पुरोहितों ने बहुत कोशिश की, जहां तक हो सके बाइबल को इकट्ठा करो, लोगों के पास से अंग्रेजी बाइबलों को छीनो और उन्हें जलाकर राख कर दो। लेकिन विलियम हिम्मत नहीं हारा। उसने अब यह तय कर लिया था कि अभी तक तो मैंने सिर्फ नए नियम का अनुवाद किया था, अब मैं पुराने नियम का भी अनुवाद करूंगा। इसलिए वह हिब्रू भाषा सीखने के लिए वम्स नामक जगह पर ठहरता है, जहां पर बहुत सारे यहूदी आकर अध्ययन का कार्य किया करते थे। कई वर्ष उसने हिब्रू भाषा सीखने में बिता दिए और अंततः जब वह हिब्रू भाषा सीख गया, तब उसने मूसा की प्रथम 5 किताबों को अंग्रेजी भाषा में अनुवादित किया और इस प्रकार बाइबल को छाप कर वह इंग्लैंड भेजता रहा और लोग छुप छुप कर बाइबल को खरीदते रहे। लेकिन बाइबल एक दिन पहुंच जाती है इंग्लैंड की महारानी एन बोलिन के पास और एन बोलिन, जो कि इंग्लैंड के राजा हेनरी की द्वितीय पत्नी थी, उसे विलियम टिंडल के द्वारा अनुवादित बाइबल बहुत ज्यादा पसंद आ गई और राजा को एहसास हो गया कि अगर विलियम टिंडल इसी गति से बाइबल का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करते रहा तो इंग्लैंड के राजा से ज्यादा प्रभावी हो जाएगा विलियम टिंडल। इसलिए विल ने चालाकी से विलियम को बुलावा भेजा ताकि वह आकर उसके राज दरबार में काम करे, सरकारी नौकरी करे, सैलरी ले और इंग्लैंड के राजा के अधीन में रहे। इंग्लैंड के राजा ने स्टीवन वॉन नामक एक व्यक्ति को विलियम टिंडल के पास भेजा। विलियम टिंडल को ढूंढ पाना इतना आसान नहीं था क्योंकि विलियम टिंडल के पीछे रोम के सम्राट के गुप्तचर, पोप के गुप्तचर और राजा के भी गुप्तचर लगे हुए थे और विलियम को बहुत संभल कर रहना था। स्टीवन वॉन बड़ी मुश्किल से, स्टीवन वॉन जो कि राजा हेनरी के द्वारा भेजा जाता है विलियम को एक ऑफर देने के लिए, बड़ी मुश्किल से रात के समय एक खेत के पास विलियम टिंडल से मुलाकात करता है और स्टीवन वॉन विलियम टिंडल से कहता है कि विलियम, मैं आपके लिए महाराज का संदेश लेकर आया हूं। आप आइए, राज दरबार में आइए, आपको सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। आप बाइबल का अनुवाद रोक दीजिए, आपको सारी सुख सुविधाएं, राजकीय सुविधाएं दी जाएंगी, आप राजा के दरबार में आइए। विलियम टिंडल को संदेह हुआ। विलियम टिंडल ने कहा, मैं जरूर आता, महाराज की सेवा करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन एक शर्त है मेरी, कि मेरे द्वारा अंग्रेजी भाषा में अनुवादित की गई बाइबल को राजा हेनरी मुद्रित कर दे, राजकीय मंजूरी दे दे, ताकि राजकीय मंजूरी के साथ यह अंग्रेजी बाइबल आम जनता तक पहुंच सके। अगर महाराज ऐसा करते हैं तब तो मैं उनके दरबार में जरूर आऊंगा। स्टीवन वॉन जाकर इस बात को इंग्लैंड के राजा हेनरी को बताता है। राजा हेनरी इस बात को सुनकर क्रोध से पागल हो जाता है और गुस्से में आदेश देता है, इस विलियम टिंडल की इतनी हिम्मत कि एक सम्राट के आदेश का इनकार कर दे, इसके सारे कामों को और ज्यादा जोर से दबाओ। और इस तरह विलियम का और ज्यादा विरोध होने लगा, लेकिन विलियम हिम्मत नहीं हारा। तब शैतान ने इंग्लैंड के उन अधिकारियों के मन में एक साजिश डाली। विलियम टिंडल का एक दोस्त था जिसका नाम हेनरी फिलिप्स था। हेनरी फिलिप्स लालची आदमी था। उस हेनरी फिलिप्स तक इंग्लैंड के अधिकारी पहुंचे और उन्होंने कहा कि अगर तुम विलियम टिंडल को धोखे से पकड़वाओगे तब हम तुम्हें बहुत सारा पैसा देंगे। पैसों के लालच में हेनरी फिलिप्स एक दिन विलियम टिंडल से कहता है
कि दोस्त चलो आज मैं तुम्हें अपने घर दोपहर के भोजन के लिए ले जाना चाहता हूँ। विलियम टिंडल आनंदित हुआ, लेकिन जब वह बाहर निकला तो वहां पर इंतजार कर रहे थे सिपाही जिन्होंने गिरफ्तार कर लिया विलियम टिंडल को। विलियम टिंडल इस बात से बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है कि उसका मित्र हेनरी फिलिप्स उसे धोखा दे चुका है, और उसे स्मरण आता है कि मुझे किसी मनुष्य पर भरोसा नहीं करना था, मुझे भरोसा केवल प्रभु यीशु मसीह पर करना था। विलियम टिंडल को बेल्जियम ले जाया जाता है, जहां पर रोम के सम्राट के कोर्ट के सामने उसे खड़ा किया जाता है और उसे झूठी शिक्षा फैलाने के झूठे आरोप में जेल में डाल दिया जाता है। विलियम टिंडल से यह कहा जाता है कि अगर तुम इस बात को स्वीकार कर लो कि तुम्हारी बुलाहट और तुम्हारे अनुवाद सब झूठे हैं, तब हम तुम्हें छोड़ देंगे। विलियम टिंडल कहता है, नहीं, प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट मेरे जीवन में सच्ची है, और मैंने जो कार्य बाइबल का अनुवाद किया है वो बिल्कुल परफेक्ट है, सही है, और ग्रीक भाषा का ज्ञान जो प्रभु ने मुझे दिया था, उस भाषा का ज्ञान का इस्तेमाल करके मैंने अंग्रेजी भाषा में लोगों तक बाइबल पहुंचाने के लिए बहुत परिश्रम किया है। क्रोध में आकर जो अधिकारीगण है उसे जेल में डाल देते हैं। आने वाले 500 दिन से ज्यादा विलियम टिंडल काल कोठरी के गहन अंधकार में पड़ा रहता है। ठंड बहुत ज्यादा होती थी रात में, लेकिन उसे गर्म कपड़े नहीं दिए जा रहे थे। विलियम टिंडल जेल के अधिकारियों से कहता है कि काश उसे थोड़ा सा कंबल दे दिया जाए, लेकिन उसे नहीं दिया गया। 500 दिनों से ज्यादा वह गहन काल कोठरी में गहन अंधकार में रहता। कई बार उसका मन बहुत घबराने लगता है, क्योंकि अंधेरा बड़ा डरावना था, रोशनी की एक किरण भी नहीं थी। लेकिन बाइबल का अनुवाद करते करते उसके हृदय में परमेश्वर के वचन की ज्योति जलने लगी थी, और उसी रोशनी के सहारे जो उसकी आत्मा में जल रही थी, बाइबल के उन वचनों को स्मरण करते हुए, यीशु के उन मीठे वचनों का स्मरण करते हुए, सामर्थ की आग में वह अंदर जल रहा था। उसे पता था कि उसने अपना काम कर दिया है, और यह जीवन जो प्रभु यीशु मसीह के लिए है उसने वफादारी से जिया है। इतिहासकार जॉन फॉक्स के अनुसार विलियम टिंडल अपनी इस दयनीय दशा में भी सुसमाचार का प्रचार नहीं रोकते। विलियम टिंडल उस जेल के जेलर और उसकी बेटी को प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते हैं, जिसके कारण जेलर और उनकी बेटी और उसका पूरा परिवार उद्धार प्राप्त करता है। और एक दिन आता है, वह दिन था 6 अक्टूबर 1536 की सुबह। विलियम को कारागार से बाहर निकाला गया और उसे अपमानित करते हुए भीड़ के सामने खड़ा कर दिया गया। विलियम टिंडल को सजाए मौत सुनाई गई थी, और विलियम टिंडल को बांध दिया जाता है एक खंबे में, और चारों तरफ उसके सूखी लकड़ियां डालने लगते हैं वो लोग, क्योंकि अब विलियम टिंडल को जलाया जाना था। रस्सी के द्वारा विलियम टिंडल का गला घोटा जाने लगता है और आग लगा दी जाती है। धू धू करते अपने भयानक पीड़ा में वह पुकारता है परमेश्वर की ओर, उस राजाओं के राजा की ओर देखता है, स्वर्ग की ओर अपनी आंखें उठाता है और राजाओं के राजा से प्रार्थना करता है, हे परम प्रधान ईश्वर, हे मेरे प्रभु यीशु मसीह, राजाओं के राजा, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, इंग्लैंड के राजा की आंखें खोल दीजिए, इंग्लैंड के राजा की आंखें खोल दीजिए, इंग्लैंड के राजा की आंखें खोल दीजिए प्रभु। और इस प्रार्थना के बाद उसका शरीर जलकर राख हो जाता है। लोगों ने यह प्रार्थना सुनी थी और लोग सोच में पड़ गए, और उसकी प्रार्थना राजाओं के राजा ने सुनी, और राजाओं के राजा के कार्य को रोकने वाले इंग्लैंड के उस सम्राट की आंखें प्रभु ने खोल दी। और 3 साल के अंदर ही ऐसा हुआ कि इंग्लैंड के राजा ने कहा कि हर एक चर्च में एक अंग्रेजी बाइबल रखना अनिवार्य है। जब विलियम टिंडल शहीद हो रहे थे, जब विलियम टिंडल को जलाया जा रहा था, उसे जब मारा जा रहा था, अपनी मृत्यु के समय में इस वचन को स्मरण कर रहा था, जैसा लिखा हुआ है 2 कुरिन्थियों 4:18 में, हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं।
विलियम टिंडल अनदेखी वस्तुओं को देख रहा था। विलियम टिंडल देख रहा था कि राजा एक दिन अनुमति दे देगा और सारे लोग जो अंग्रेजी भाषा बोलते और समझते और पढ़ते हैं वो राजाओं के राजा से बात कर पाएंगे, राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह अपनी प्रजा से सीधे बात कर पाएंगे। वह देख रहा था कि बाइबल जब अंग्रेजी में छप जाएगी, बाइबल जब आम लोगों की भाषा में उपलब्ध हो जाएगी, लोग उद्धार पाएंगे, लोग अनंत जीवन पाएंगे। इसलिए वह देखी हुई वस्तुओं को नहीं पर अनदेखी वस्तुओं को देखकर चलने वाला एक व्यक्ति था, और अनदेखी वस्तुओं को देखकर परमेश्वर के इस वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा चलने वाला एक व्यक्ति था, जिसने अपने मृत्यु के समय में प्रार्थना की परमेश्वर से विश्वास के साथ कि परमेश्वर मेरा यह जीवन तो व्यर्थ हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने यह जिंदगी तेरे नाम कर दी। और प्रभु जब मैंने प्रार्थना की है कि इंग्लैंड के राजा की आंखें खोल दे, उसने सीधे उस देश के सबसे उच्चतम पद पर बैठे हुए व्यक्ति की आंखें खोलने के लिए कहा, क्योंकि वही एक व्यक्ति था जो रोक कर रखा था बाइबल को, शैतान ने उसकी आंखों को बंद करके रखा था। इसलिए परमेश्वर के उस जन ने प्रार्थना की इंग्लैंड के राजा की आंखें खोल दे। आज मेरी और आपकी प्रार्थना में क्या बड़े बड़े स्तरों और बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हुए उन व्यक्तियों के लिए प्रार्थना है? क्या हम और आप हिम्मत कर सकते हैं विलियम टिंडल के समान जीवन जीने की, आलीशान नौकरी आराम की जिंदगी नहीं, पर यीशु मसीह के वचनों को लेकर जाना है मुझे कोने कोने तक। प्रभु ने जिस उद्देश्य के लिए मुझे चुना है उस उद्देश्य को मुझे पूरा करना है, और मेरी प्रार्थनाओं में ऐसी प्रार्थनाएं शामिल होनी चाहिए, प्रभु मेरे देश के राजा की आंखें खोल दे, मेरे देश के प्रधानमंत्री की आंखें खोल दे, मुख्यमंत्री की आंखें खोल दे। प्रभु क्या उन अधिकारियों की आंखों को खोलने के लिए आप प्रार्थना करेंगे जिनकी आंखों को शैतान ने बंद करके रखा है, जो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को दबाए जा रहे हैं, उद्धार के इस बाइबल को लोगों तक नहीं पहुंचने देना चाहते, शैतान उनका इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा सर्वसत्ताधारी ईश्वर राजाओं के राजा काम करेंगे। आपकी प्रार्थना के द्वारा ये बाइबल पहुंचेगी, ये बाइबल रुक नहीं सकती। और एक दिन ऐसा आता है इंग्लैंड में, जिस देश में विलियम टिंडल को जला दिया गया, जिस देश में कई लोगों को बाइबल पढ़ने के कारण जला दिया गया, उस देश में उस देश का सम्राट जिसका नाम राजा जेम्स था, उसने आदेश जारी किया कि अब राजकीय मंजूरी के साथ राजा की ओर से ही एक अंग्रेजी बाइबल छपेगी जो लोगों तक पहुंचाई जाएगी। इंग्लैंड के सम्राट की आंखों को प्रभु यीशु मसीह ने खोल दिया। उसी प्रभु यीशु मसीह के पीछे आप और मैं चल रहे हैं, जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आपकी प्रार्थनाओं से सिंहासन हिल उठेंगे, आपकी प्रार्थनाओं से बड़े बड़े सिंहासन डोल उठेंगे। मत डरो उनके सिंहासनों को देखकर, प्रभु यीशु मसीह के बेटे तेरी प्रार्थना में इतनी शक्ति है, सिंहासन हिल उठेंगे। प्रभु यीशु मसीह की बेटी तेरी प्रार्थना में इतनी शक्ति है, सिंहासन हिल उठेंगे। इन छोटी मोटी परेशानियों को देखकर मत डरते रहो, इसी दुनिया की बातों में उलझकर मत रहो। तुम इस संसार के राज्य के लिए नहीं पर आने वाले उस अद्भुत राज्य के लिए जो परमेश्वर का राज्य है, उसके लिए अपने मनों को तैयार करो। अपना धन इस पृथ्वी पर नहीं पर उस स्वर्ग में इकट्ठा करो, जहां पर न तो कीड़ा खाएगा न तो चोर चोरी कर सकता है। विलियम टिंडल अत्यंत विद्वान व्यक्ति था, चाहता तो बहुत सारा धन इसी दुनिया में जमा कर सकता था, लेकिन उसे पता था, वो इतना विद्वान था, बाइबल ने उसकी आंखें खोल दी थी प्रभु यीशु मसीह ने कि यह शरीर राख हो जाएगा, ये संसार राख हो जाएगा, लेकिन स्वर्ग में जमा किया गया, प्रभु के लिए कार्य किया गया एक एक धन, वो तुमसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं चुरा सकता। वो जिस प्रभु के दास की गवाही आप लोगों ने सुनी है, उन्हीं के द्वारा लिखी हुई बाइबल की सॉफ्ट कॉपी आज मैं टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड करूंगा। अगर आप लोगों को परमेश्वर के उस दास की के द्वारा लिखी बाइबल चाहिए, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। विलियम टिंडल की ये गवाही आपने सुनी, इस गवाही को सुनने के बाद आपको दो बातें करनी है। पहला, इस गवाही को हर एक मसीही व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है, क्योंकि इस गवाही को एक भाई जो सुन रहा है और एक बहन जो सुन रही है, अगर वो विलियम टिंडल के जैसे अपने जीवन को समर्पित कर दे, तब आपको पता नहीं कि इस भारत देश में क्या हो सकता है, और उसका जीवन यदि बदलता है तो उसकी आशीषें आपके लिए हैं। इसलिए इस गवाही को ज्यादा से ज्यादा मसीही व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक में आप शेयर कीजिए। दूसरी बात जो आपको करनी है वो ये है कि आपको आज इस गवाही के बाद बाइबल को अपने गले लगाना है, बाइबल को अपने सीने से लगाकर उसे चूमना है,
और प्रभु यीशु मसीह से कहना है आपका धन्यवाद इस वचन के लिए जो आपने मुझे दिया है। बाइबल के लिए धन्यवाद, बाइबल के लिए धन्यवाद, बाइबल के लिए धन्यवाद। आप और भी गवाहियों के द्वारा अपने विश्वास को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर एक गवाही है और यहाँ पर भी एक गवाही है।